जबलपुर में बस चालकों के साथ साथ ऑटो चालकों का काम में वापस लौटना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। सरकार ने बसों में 50% और ऑटो में 2 सवारियां बैठाना सुनिश्चित कर दिया है, मगर इनकी मुश्किलें और भी हैं। प्रशासन के साथ बस और ऑटो चालकों की बैठक में एक एक कर सारी समस्याएं रखी गयी। ऑटो चालक संघ प्रशासन से लोन की व्यवस्था करने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि कई ऑटो चालकों ने किस्तों में ऑटो खरीदा है। लॉकडाउन के दौरान उनका काम बंद था, मगर उन्हें बैंक वसूली के लिए धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कलर कोडिंग को गैर जरूरी करार दिया है। बिल्कुल, जो हमारी यातायात की पूरी टीम है वो अभी तक लॉकडाउन के पालन में लगी हुई थी, वो पुनः वापस यातायात के नियमों का पालन कराने में लगेगी। ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू करवा रहे हैं और PHQ के द्वारा भी एक अभियान है, तो उस अभियान के माध्यम से भी जो लोग पालन नहीं करेंगे उन पर यातायात के एक्ट के तहत कार्रवाई करके पालन करवाना सुनिश्चित। चौराहे सिग्नल वगैरह भी चालू? बिल्कुल, जितने चौराहे हैं ट्रैफिक सिग्नल्स चालू हो गए हैं, उसकी व्यवस्था बराबर चल रही है। मेरे साथ ये है कि सारे जबलपुर के 60% ऑटो फाइनेंस है, गैस से संचालित है। गैस से संचालित होने के बाद 3 महीने हो गए, हम लोगों की दयनीय स्थिति है, बहुत खराब। फिर भी हम लोगों ने कड़ी हिम्मत करके प्रशासन से सहयोग मांग के चाह रहे हैं हम कि 2 सीट में हम ऑटो संचालन करें। और जो अभी प्रशासन ने कहा है कि कलर कोटिंग, ये कलर कोटिंग का निर्णय केवल सड़क सुरक्षा समिति का है, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय नहीं है। ये इसके हिसाब से कलर कोटिंग उनने की है, ये गलत है। और जब तक अभी तक शासन कंट्रोल नहीं करता तब तक हम लोगों को जैसे संचालन हो रहे थे ऑटो बगैर कलर कोटिंग के चलने दिए जाएं। दूसरी समस्या, बैंक के सारे ऑटो फाइनेंस हैं, हम लोग किस्त देने में असमर्थ हैं बैंक की। बैंक वाले हम लोगों को प्रताड़ित ना करें, शासन हमारे ऑटो पे रजिस्ट्रेशन के आधार पे 40,000 रुपये लोन दे तो हम बैंक की किस्त देंगे, उसके बाद ऑटो का संचालन सही करेंगे। अगर बैंक वाले प्रताड़ित करेंगे तो हम लोग सामूहिक ऑटो वाले सारे ऑटो ले जाके बैंकों में खड़ा कर देंगे, और जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की होगी। 2 सवारी बैठाने का हमारा निर्णय है, हम कोशिश करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे शासन का और जनता का भी, मगर हमको उस हिसाब से जनता से किराया लेना पड़ेगा और जनता को भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा कि वो भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए सैनिटाइजर लेके चले, हम लोग भी सैनिटाइजर लेके चलेंगे। अगर किसी गाड़ी में 2 सवारी बैठी तो वो कष्ट करके तीसरी ना बैठ, स्वयं ना बैठे, और अगर बैठती है तो वो उस सवारी की गलती है, हमारी गलती नहीं है इस पर। और अगर जो भी 3 सवारी में पाया जाता उसका जुर्माना हो, ना कि हमारे चालक का, ना कि हमारे मालिक का। नाम क्योंकि विजय कुमार साहू, जबलपुर ऑटो मालिक संघ। वो कैसे होगा उसमें आप अपने अपने विवेक के आधार पर निर्णय लें। मेरा ये सोचना है कि एक ट्रिप यदि खत्म होती है तो उसके बाद में सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। यदि आपकी बसेस चल रही हैं और एक ट्रिप खत्म होती है तो उसके बाद में उसका सैनिटाइजेशन करें। उसी प्रकार से जो बस ऑटो वाले हैं उनकी एक स्प्रे में आप अंदर भर लें, थोड़ा सा डिटॉल और पानी डाल करके बढ़िया सैनिटाइजर उसको करके और कपड़े से पोंछ दें ताकि वो अच्छा हो जाए। दोनों के लिए एक पॉइंट और है कि ऑटो वाले निर्धारित रूट है उसी पर चलें, और जो बसेस हैं उनका भी जो निर्धारित रूट है, नहीं तो बंद ही रहता। जब हम चाहते हैं दूर दूर रहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जगह में बहुत। मैं अगम जैन हूँ, एडिशनल SP उत्तर और यातायात का प्रभार है। मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया और तब से लॉकडाउन रहा तो आप लोगों से मिलना भी नहीं हो पाया, तो ये पहला मौका है कि अभी हम मिल रहे हैं। तो चाहता हूँ एक बार संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन हो। बैठे बैठे बताते हैं, बैठे बैठे बच्चू रूमानी शंकर दयाल शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ISBT बस ऑपरेटर, अजय पाठक सदस्य सचिव बस ऑपरेटर, संजय संगतिया सदस्य, आगे जोर से आवाज अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।